हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तवर और आपका नेहा तवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आलिया कट कुर्ती की कटिंग। तो यहां पे आलिया कट कुर्ती कैसे बनती है, नॉर्मल सूट से भी क्या आलिया कट कुर्ती बनाई जा सकती है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो है आलिया कट कुर्ती की कटिंग करेंगे और थोड़ी सी यूनिक रहेगी ये कुर्ती, क्यों रहेगी वो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर आपके नॉर्मल जो सूट होते हैं उससे कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा नॉर्मली ऐसे सूट जो है दो पार्ट में डिवाइड हुए आते हैं और फ्रंट पार्ट में कुछ पट्टी जैसी लगी होती है जिससे कि को हमें जो है अलग करना होगा क्योंकि हमें थोड़ा सा डिज़ाइनर सूट बनाना है। तो इसी तरीके के डिज़ाइनर सूट और आउटफिट बनाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है इस पट्टी को रिमूव कर दूँगी और जो है यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले पार्ट से ही 13 इंच चौड़ा और जो है 15 इंच लंबा एक फैब्रिक कट कर लिया है जिसमें से हम योग पार्ट बनाएंगे और इसमें से एक ही पार्ट निकलेगा, ये डबल फोल्ड है, और एक पार्ट हम और निकालेंगे वो बाद में आपको दिखाऊंगी। तो हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आर्म होल के लिए हम 7 इंच, सॉरी जो शोल्डर है उसके लिए 7 इंच और हमारा आर्म होल है उसके लिए भी 7 इंच हम डाउन जाएंगे और इस तरीके से हम एक जो है बॉक्स बना लेंगे और इसमें आर्म होल की शेप दे देंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद आपकी जितनी भी बस्ट है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 4 करके 1 इंच प्लस करेंगे और जो है 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। नीचे भी मैंने, क्योंकि नीचे 1-1 इंच की प्लेट आएगी, तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से हमारा जो योक पार्ट है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक कटा है इसी और दूसरे फैब्रिक पे रख के हम फ्रंट कट कर लेंगे और फ्रंट में नायरा कट, सॉरी आलिया कट कैसे देना है वो भी आपको बताऊंगी। तो मेरे मुंह पे आलिया कट, नायरा कट बार बार आ रहा है, नायरा, क्योंकि आपने देखा होगा नायरा कट बहुत चला, बहुत लोगों ने पहना। इसी तरीके से अलग आलिया कट भी जो है बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आप ज़रूर से बनाइएगा ये कुर्ती। तो देखिए यहाँ पे जो है बैक पार्ट कट कर लिया और फ्रंट से ही जो है फैब्रिक बचा था उसी में से हम इस तरीके से रख के और इतना ही फोल्ड करेंगे जितनी हमें नीड हो, क्योंकि जो जो है फैब्रिक की बचत हो सके। तो इतना ही मैंने फोल्ड किया, 13 इंच मैंने फोल्ड किया है और इस तरीके से रख के मैं जो है दोनों पार्ट्स को कट कर लूँगी। और इसमें हमें जो है आलिया कट कैसे कट करना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। और इस तरीके से रख के आप जो है कट कर देंगे दूसरा पार्ट भी। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बिल्कुल इजीली बता रही हूँ, जिससे कि सिंपल सूट भी आपको अगर कट करना है तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। और सिंपल सूट में भी आप इस योक और जो है नीचे का अलग से बनाएंगे तो आपके सूट की लुक अलग आएगी। तो इस तरीके से आप ये तरीका ज़रूर से अपनाएं अपने सूट को अलग लुक देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अब जो फ्रंट पार्ट है उसकी हम आधा आधा इंच कटिंग करते हैं, आर्म होल की छटाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं छटाई करना, तो छटाई कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है बनाते समय तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज सिर्फ हम कटिंग सीखेंगे, इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं कल आप तक ज़रूर तक पहुँचा दूँगी, तब तक आप वेट करिएगा। अब देखिए आलिया कट हम कैसे कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट में, ना कि बैक में, बैक पहले ही अलग कर लेंगे और इस तरीके से कमर की साइड से आप मैच कर देंगे। बस हो गया आपका काम, आपको यही करना है और इस तरीके से कट कर देना है। अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप जो है इसमें गैदर्स डालें, अदरवाइज़ आपको जो है स्ट्रेट कुर्ती चाहिए तो आप इसमें गैदर ना डालें। तो यहाँ पे मैं अपने लिए डिज़ाइन कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा मोटी ना दिखूँ, इसके लिए जो है मैं यहाँ पे गैदर्स नहीं डालूंगी। अब देखिए जो फैब्रिक बच गया है उसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फिर जो है डबल फोल्ड और फिर जो है मैंने 4 फोल्ड किया और मैं अब इसमें से कट कर लूँगी हमारी स्लीव। तो देखिए स्लीव कट करने के लिए हम हमेशा जो है 4 फोल्ड करते हैं फैब्रिक को, क्योंकि 2 स्लीव्स होती हैं और बराबर कर लेंगे किनारी को और रहना इसमें से साइड में हम जो है नीचे से डाउन आते हैं
स्लीव्स की जो है हम शेप देने के लिए, तो यहाँ पे 2.5 से 3 इंच तक आप डाउन आ सकते हैं। तो इस तरीके से 3 इंच पे डाउन आई और इस तरीके से शेप दे दी और इसको कट कर दिया। अगर थोड़ा बहुत कम रहेगा फैब्रिक तो मैं इसमें जोड़ दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पीछे का भाग है ना उससे मैं स्लीव नहीं निकालना चाहती, क्योंकि पूरा सूट फिर जो है गड़बड़ा जाएगा। तो डिज़ाइनर सूट बनाते समय आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर जो है आप देखेंगे इसकी लेंथ जो है 13 इंच आई है, अगर चौड़ाई में थोड़ी बहुत कमी पड़ी तो हम इसमें जोड़ डाल देंगे। अब बारी आती है जो बैक पार्ट है उसकी, तो यहाँ पे देखिए अगर ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो आप जो है कुर्ती को 2 पार्ट में कट करके जो है गैदर्स डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है हाइट और जो है लेंथ का पूरा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे को लॉन्ग कुर्ती चाहिए और स्ट्रेट चाहिए, मुझे गैदर्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे कुर्ती को 2 भागों में डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर करूँगी तो जो लाइनें हैं वो टेढ़ी जाएंगी। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, जो स्ट्रेट लाइनें जहाँ जा रही हैं उसी हिसाब से जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। और यहाँ पे गैदर्स मुझे लेने नहीं हैं तो स्ट्रेट कुर्ती मुझे चाहिए और साइड स्लिट ओपन स्लिट में रखूँगी, तो इसलिए मुझे स्ट्रेट कुर्ती चाहिए। और साइड में इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं डिज़ाइन करूँगी, तो वो ज़रूर से देखना आप। इसमें थोड़ा थोड़ा लुक आपको नायरा कट का भी आएगा, तो बहुत ही डिज़ाइनर सूट रहने वाला है। तो इसकी स्टिचिंग आप ज़रूर से देखिएगा और आप मैं आपको प्रॉमिस करूँगी आपको जो है ये ज़रूर से पसंद आएगा। तो देखिए इस तरीके से डिवाइड करने के बाद आप जो है बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बता दूँगी। हम पहले इसको अलग तो करें, तो ये देखिए इस तरीके से अलग कर लेना है। अगर ज़्यादा फैब्रिक होगा, ज़्यादा फ्लेयर होगा, तो उसमें जो है गैदर्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को मैंने हटा दिया और फ्रंट है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया। अब देखिए जब हमने सेंटर से 2.5 इंच कट किया था, अब हम साइड से 2.5 इंच कट करेंगे। नीचे का पार्ट है ना ये, तो इसलिए हम जो है साइड से 2.5 इंच कम करेंगे और ऊपर से इस तरीके से मिला देंगे। जब हम इसको अटैच करेंगे तो इसमें लेस वगैरह भी एडिशन करेंगे या पाइपिंग का एडिशन करेंगे, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो आई होप आपको कल तक इसकी वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए अगर थोड़ी बहुत कमी रहती है तो हम इसमें गैदर्स डाल देंगे, अदरवाइज़ ये जो है स्ट्रेट कुर्ती ही बनेगी। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। दोनों फ्रंट पार्ट हम लेंगे और इस तरीके से इसको बिछा के आपको दिखाऊंगी। तो इसमें जो है फ्रंट और बैक में 1 इंच की प्लेट भी आएगी, तो जो ये ऊपर का हमारा चोली वाला पार्ट है ये लगभग बराबर हो जाएगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत 1-2 चुन्नट आती है तो मैं नीचे वाले पार्ट में डाल दूंगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको जो है इसके जो चाक है मैं ऊपर तक ओपन रखूँगी। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर से देखिएगा। कटिंग हमारी हो चुकी है, आई होप आपको इसकी कटिंग समझ में आई होगी। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो के लिए बने रहिएगा। हम इसमें जो है कुछ एडिशन भी करेंगे, जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसका बॉटम जो है रेड है, तो हम यहाँ पे साइड में रेड पट्टी भी लगा सकते हैं, तो वो हम इसकी सिलाई की वीडियो में देखेंगे क्या करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।